तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस हफ्ते की कुछ थोड़ी बहुत टॉप न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। तो फिर भाई अपनी अगर पहली खास न्यूज की बात की जाए, जो कि वाकई में ही बहुत ही खास न्यूज है, ट्विटर ने अपने हाई राइडर का फर्स्ट टीजर निकाल दिया है, जहां पर हमें थोड़ा बहुत गाड़ी के लुक्स का अंदाजा हो रहा है, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है अभी। और गाड़ी का रियर विटारा ब्रिजा की तरह ही दिखेगा। फिर भाई अपनी अगली न्यूज की बात करें तो फिर जो किया कारेंस है अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया है, लेकिन क्या ही रोशन किया है सब जानते ही हो भाई। इस गाड़ी को 5 में से 3 स्टार मिले हैं सेफ्टी में, और कोई ऐसे चौंकने वाली बात नहीं है, पता था, क्योंकि सेल्टॉस को भी 3 मिले हैं और इससे भी हमें यही उम्मीद है। लेकिन हाँ, इस गाड़ी के स्कोर्स सेल्टॉस से थोड़े बहुत ज्यादा हैं, और ज्यादा क्यों हैं, बस एयर बैग इसमें ज्यादा है इसीलिए, नहीं तो कुछ ज्यादा नहीं है। लगभग आपको वही सेफ्टी इस गाड़ी के अंदर भी देखने को मिल जाती है। फिर भाई अपने अगली न्यूज की बात करें तो एमजी ने जयपुर के अंदर ऐसे चार्जिंग वाले बहुत सारे पोर्ट्स लगा दिए हैं, और ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर बस एमजी की गाड़ियां चार्ज कर सकते हो। अगर कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो फिर आप अपनी गाड़ी को यहां पर चार्ज कर सकते हो, अगर आप जयपुर के अंदर रहते हो तो। फिर भाई अगली न्यूज की बात करें, जो कि ठीक भी है और अजीब भी है और गलत भी है। हाँ, महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक, हाँ वही असली वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो की बात कर रहा हूँ। कंपनी ने इसके साथ भी एक अनाउंसमेंट की है कि अब आपको इस गाड़ी के अंदर सिर्फ 2 मॉडल्स ही देखने को मिलेंगे, स्कॉर्पियो S3+ एंड स्कॉर्पियो S11, मतलब एकदम बेस वेरिएंट या फिर एकदम टॉप वेरिएंट। बीच में जो आते हैं S6, S9, S10 सब बंद हो गए, बस 2 आएंगे, 3 एंड 11। और यार मेरे को नहीं पता मैं क्या रिएक्शन दूं इस वाली न्यूज के साथ। फिर भाई अपनी सबसे तगड़ी वाली न्यूज की बात करें, जो कि है महिंद्रा स्कॉर्पियो N, इसके सारे वेरिएंट्स अनवील हो चुके हैं, यानी कि इस गाड़ी के अंदर कौन कौन से वेरिएंट्स ऑफर होंगे। तो फिर इस गाड़ी के अंदर जो जो वेरिएंट्स अवेलेबल होंगे उनका नाम है Z2, Z4, Z6, Z8, Z8 लग्जरी पैक, जो कि इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट रहेगा। और जो इस गाड़ी का बेस मॉडल रहेगा यानी कि Z2, उसके अंदर ऑब्वियसली बात है 4x4 नहीं आएगा, और हो सकता है कि उस गाड़ी के अंदर हमें ऑटोमेटिक भी देखने को मिल सकता है। और जो 4-व्हील ड्राइव वाला मॉडल रहेगा वो इसके 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल रहेगा, जो कि है Z6 एंड Z8, यानी कि टॉप एंड सेकंड टॉप के अंदर आपको 4-व्हील ड्राइव देखने को मिल जाएगा। और महिंद्रा की ये चीज़ मेरे को काफ़ी तगड़ी लगी कि महिंद्रा मतलब सबका ध्यान दे रहा है, बेस मॉडल के अंदर ऑटोमेटिक दे रहा है और सेकंड टॉप एंड टॉप में आपको 4-व्हील ड्राइव वर्जन दे रहा है। तो भाई महिंद्रा के इस चीज़ के लिए मैं महिंद्रा को एक ही बात बोलना चाहूँगा, लव यू महिंद्रा। फिर दोस्तों अपनी अगली न्यूज की बात करें तो जो महिंद्रा XUV700 है उसको ग्लोबल इनकैप का सेफेस्ट कार चॉइस अवार्ड मिल चुका है, और ये बहुत ही बड़ा अवार्ड होता है। आज तक इंडिया में बस 2 गाड़ियों को मिल चुका है, XUV300 एंड XUV700। सो भाई दोनों ही मशीनें महिंद्रा की हैं, तो फिर आनंद महिंद्रा सर को काफ़ी मजा आ रही होगी। फिर भाई अपनी अगली लिस्ट की बात करें तो जो मारुति सुजुकी अर्टिगा है, यहाँ पर इसकी 3,15,000 ऑर्डर्स इसके पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो फिर भाई आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा डिमांड है इस गाड़ी की। फिर भाई आज की लास्ट न्यूज़ की बात करें तो जो हुंडई ट्यूसॉन है, ऐसी न्यूज़ आ रही है कि कंपनी इस गाड़ी को 7 सीट के भी ऑप्शन में लॉन्च कर सकती है। हुंडई ट्यूसॉन और 7 सीटर मजा नहीं आएगी यार, 5 सीटर वाला ही सही है, लेकिन कंपनी है भाई, उनकी मर्जी चलेगी यहाँ पर, तो ठीक ही है, हमें क्या मतलब है। तो फिर भाई यही थी कुछ खास ऑटो न्यूज़। वेल गाइस यहाँ तक देखने के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच।